बस हमारी चर्चा है कि ईश्वर को मानने वाले हम लोगों के लिए ईश्वर अनुमान तो है लेकिन अनुभव बने कि ये सृष्टि है अनंत अनंत ब्रह्मांड है तो इन सब को बनाने वाला इनको धारण करने वाला इनको चलाने वाला कोई है और वो जो कोई है ऐसी जो हमारी धारणा है उसको हम ईश्वर कहते हैं लेकिन देखा तो नहीं अनुभव तो हुआ नहीं अनुमान प्रमाण के आधार पर धारणा है तो हमारी श्रद्धा बनी कि है वो शक्ति तो ये तो अच्छी बात है मानने से शुरुआत होती है लेकिन अब जानने की ओर जाओ धर्म क्षेत्र की यात्रा अध्यात्म की यात्रा मानने से शुरुआत होती है प्रारंभ होती है और जानने तक पहुंचती है। विज्ञान की यात्रा पहले जानने से पहले जानता है विज्ञान फिर मानता है यानी स्वीकार करता है विज्ञान की यात्रा मान्यताओं पर आधारित नहीं होती पहले वो जानता है रिसर्च करता है और रिसर्च करके जो परिणाम सामने निकल आते हैं उसको मानता है उन तथ्यों का स्वीकार करता है तो पहले जानता है विज्ञान फिर मानता है धर्म क्षेत्र में हम पहले मानते हैं कि हा कोई है कोई शक्ति लेकिन केवल मानने से बात नहीं बनेगी फिर साधना भजन इसलिए करना है कि जानना है कृष्ण भी कहते हैं गीता में तद विद्धि तुम उसको जानो यानी उसका अनुभव करो तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्ष ज्ञानिन तत्वदर्शिना भगवान का प्रागट्य कभी हो जाएगा अनुभव भगवान तो है ही है वो तो कहां नहीं है कब नहीं है देश काल दिस विदिशी हूं माही कह हु सो कहा जहां प्रभु ना ही मुख्य बात यह है कि हमारे जीवन में वो प्रकट हो यानी अनुभव